हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप लोग स्टडी आपकी अच्छी चल रही है? स्टडी करते रहो, आराम से घर पर बैठे हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे रेगुलर आपको फिजिक्स की स्टडी रोज करनी है। ये टाइम ऐसा है कि आप पूरे दिन घर पर बैठे हुए हो, आराम से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, आज हम जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट चल रहा था, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम। पोटेंशियोमीटर हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर यूज क्या आता है और हमने क्यों पढ़ा था। ठीक है, तो बात करेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की क्या क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ पर यूज आता है। पहला है कंपेरिजन ऑफ टू EMF। ठीक है, हम दो EMF, दो सेल है हमारे पास। ये पहला सेल है, इसका EMF E1 है। दूसरा सेल है, इसका EMF E2 है। दो सेल है, ये प्राइमरी सेल है। मैंने आपको बताया था दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज करके उनको फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा नया सेल लिया जाता है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिन्हें चार्ज किया जा सकता है बार बार, और रीयूज उनको किया जा सकता है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, गाड़ियों में लगने वाली बैटरी, ये सब सेकेंडरी सेल है। जितनी भी बैटरी होती है, और वॉच में लगने वाला जो सेल होता है, क्लॉक में लगने वाला जो सेल होता है, टॉर्च में लगने वाले जो सेल होते हैं, ये सब कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल। ठीक है, तो प्राइमरी में लैक्रांची सेल, डैनियल सेल है ना, पेंसिल सेल, ड्राई सेल, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी में। और बैटरी क्या होती है? सेकेंडरी सेल। अभी क्योंकि ये बात सेल की समझनी यहाँ पे जरूरी है। अब प्राइमरी सेल जो है, इन दो दो सेल हमारे पास, दोनों के EMF को कंपेयर करना है, ये हमारी एप्लीकेशन है। कंपैरिजन ऑफ टू EMF, यानी इसका क्या मतलब है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। कंपेयर तभी होंगे ना कि भाई E1 और E2 दो EMF है, इनको कंपेयर करने का मतलब हमें एक्चुअली इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर है कहानी? तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि हम कैसे क्या करें। सबसे पहले सर्किट अरेंजमेंट, जो कि आपको दिख ही रहा है सर्किट को किस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले है सर्किट अरेंजमेंट। तो सर्किट में आपको क्या क्या दिख रहा है, जरा आप क्लियरली देखो। देखो ए बी जो है ना, ए बी देखो, पोटेंशियोमीटर ऐसा था, ये ऐसा, ठीक है, पर यहां ए लिखा था, यहां बी, ये वायर ही तो था। तो अब इसको ऐसा शो नहीं करेंगे सर्किट में, जैसा होता है वैसा शो नहीं किया जाता। अब बैटरी तो ऐसी होती है, इसमें बहुत सारी लेड की प्लेट्स होती हैं, फिर ऊपर यहाँ, तो क्या ऐसी बैटरी बनाते हो आप? नहीं, आप तो ऐसे बनाते, तो ये बैटरी हो जाती है। तो हर किसी एपरेटस का एक सिंबल होता है, तो पोटेंशियोमीटर होता ऐसा है, पर सिंबल ये सीधा वायर है, ये इसको सीधा कर दो वायर को, बस ये इसका सर्किट में सिंबल होता है। तो हमने इसका सिंबल का यूज किया है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना ए बी ये पोटेंशियोमीटर वायर है। हमने वहां पे भी पढ़ा था, एक पॉइंट ए होता था उसका एक एंड, और दूसरा एंड होता था बी। ये जो ऊपर सर्किट है इसको प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ये हर जगह यही बनेगा, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को ही बनाया जाता है, कुछ नहीं करना होता। ए जो पॉइंट होता है उससे एक बैटरी, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, सेल केवल एक सिंगल होता है। अब ऐसे कई सेलों को मिला दोगे तो बैटरी बन जाएगी, तो बैटरी में आपको कई सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल तक बना सकते हो आप। तो यहां मैंने देखो दो सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी बन गई, और अगर सिंगल बनाया तो ये सेल बन गया, दो बनाए तो बैटरी बन गई। ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट क्या करता है? करंट को रेगुलेट करता है, चेंज करता है। जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है, दिख रही है आपको, इस करंट को रेगुलेट करेगा, इसको चेंज करेगा रियोस्टेट। कभी कभी हमें प्रैक्टिकल में करंट को चेंज करना पड़ता है ताकि रीडिंग हमें अलग अलग मिले। अब प्रैक्टिकल में 5 रीडिंग लेनी है तो एक ही करंट पर थोड़ी ले सकते हो 5 रीडिंग, आपको करंट बार बार चेंज करनी पड़ेगी। उस तरीके से आप 5 रीडिंग्स लोगे तब जाके आपका प्रैक्टिकल हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल में कई रीडिंग लेने के कारण हमें इस करंट को चेंज करना पड़ता है, और इस करंट को चेंज करने का काम रियोस्टेट करता है। ये वो दो सेल हैं जिनके EMF का कंपेरिजन हमें करना है। ये जो है ये होती है टू वे की, ऐसी होती है। देखो इसमें एक डॉट यहां होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, टर्मिनल, तीन टर्मिनल होते हैं इसमें, 1 2 3, और एक यहां पे डॉट होता है, एक यहां पे डॉट होता है, की होती है एक तरीके से, ये की, एक दो की होती है, तीन टर्मिनल और दो की। तो ये जो तीन टर्मिनल हैं, 1 2 3,
वन टू थ्री, इनमें से वन और थ्री को तो हम जो अननोन सेल हैं उनके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये लैक्लांशी सेल होता है, ये डेनियल होता है, तो इनके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो बीच वाला टर्मिनल होता है ये वाला, इसको आगे गैल्वेनोमीटर और जॉकी से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी आपको बताया ये पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप है ना इसका एक वीडियो भी देख लेना इस वाले एक्सपेरिमेंट का, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप एक देख लेना कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। तो थोड़ा सा आपको ये क्या है एपरेटस दिखाई दे जाएंगे, मैं भले ही लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का भी, तो आप क्या करना इस इन एपरेटस को भी देख लेना कि पोटेंशियोमीटर कैसा है, ये बैटरी कैसी है, क्या है, ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी। ये तो अभी अपन थ्योरेटिकल रूप से देख रहे हैं, पर इसके एक्सपेरिमेंट को भी आप यूट्यूब पर देख लेना कैसे होता है, तो आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हमने ये जब सर्किट अरेंज कर दिया पूरा, अब हमारी आती है वर्किंग कि अब ये हम करेंगे कैसे ये काम, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बच्चों की के को पुश किया जाता है, पुश की के, और के जैसे ही आप के को पुश करोगे करंट फ्लो होने जाएगी, होने लग जाएगी, करंट फ्लो होने लगी थ्रू एबी वायर। एबी वायर कौन सा? पोटेंशियोमीटर वायर, इसमें से निकली। अब ये एक्चुअली रेजिस्टेंस है, जो एबी है पोटेंशियोमीटर वायर वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस वायर होता है। तो जब करंट रेजिस्टेंस से फ्लो होती है तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे वायर पर हो गया। यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप पूरे वायर पर मान लो हो गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल का ड्रॉप जीरो से स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत इधर होता है उसको अपन अभी नेग्लिजिबल मान लें, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी दूर तक एक वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर दो वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर तीन वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे करके 7-8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप पूरे वायर पर हो जाता है। ये हो जाने के बाद पहला काम हो गया आपका, की के को पुश किया, करंट को फ्लो किया, करंट फ्लो होते ही पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे वायर पे हो गया। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, अब आपको वन और टू के बीच का प्लग लगा देना है। प्लग लगाने का मतलब इनका कनेक्शन कर देना है, इसको खुला छोड़ना है, वन और टू को कनेक्ट करना है, कनेक्ट वन एंड टू, शुड नॉट कनेक्ट टू एंड थ्री। टू एंड थ्री को मत कर देना कनेक्ट, केवल वन टू को कनेक्ट करना। अब जॉकी को उठा के इस पूरे वायर पर जगह 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 टच करना, जॉकी को उठाकर पूरे वायर पर टच करना। टच करने पर एक पोजीशन ऐसी आएगी जब गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जीरो। तो विद द यूज ऑफ जॉकी एंड गैल्वेनोमीटर टेक जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एंड फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ। ये बैलेंस लेंथ हमारे पास आ गई, इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन बताया। इस लेंथ को हम मीजर कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर में एक मीटर स्केल भी होता है, तो वो मीटर स्केल इस लेंथ को मीजर कर लेता है। ये लेंथ फर्स्ट बैलेंस लेंथ कहलाती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट बैलेंस लेंथ L1, ठीक है। तो ये बैलेंस लेंथ किसके लिए आई, E1 के लिए आई कि E2 के लिए आई, कौन सा सर्किट में आ रहा है, E1। E2 तो ओपन में है, खुला है, ये तो सर्किट में आई नहीं रहा, सर्किट में कौन सा आ रहा है, E1। तो ये E1 के लिए आई है बैलेंस लेंथ L1। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था ना पोटेंशियोमीटर का, तो वो प्रिंसिपल क्या था, जो अननोन ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है जो बैलेंस लेंथ होती है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप के। भाई ये फाई क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ पर, वन लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, फाई। तो L1 लेंथ पर कितना होगा, फाई L1। तो L1 लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हो गया, फाई L1। ये फाई L1 इस अननोन ईएमएफ के इक्वल होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, इसके लिए हमने बैलेंस लेंथ ले ली, सिंपल है। वन और टू को कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन लेना है, जीरो, और बैलेंस लेंथ को मीटर स्केल से मीजर करना है। ये मीजर करने के बाद इक्वेशन आ गई ई वन इज इक्वल टू फाइव एल वन। अब क्या करो, डिसकनेक्ट कर दो वन टू को, वन टू को डिसकनेक्ट और टू थ्री को कनेक्ट कर दो, कर दिया। अब ये ओपन में आ गया, मतलब अब इसका काम खत्म हो गया,
ये तो सर्किट ही ओपन हो गया ना, कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा, एक वायर है बस सीधा से, तो ये यहां से सर्किट से एक तरीके से इसको हटा के देखो आप, ये हट गया, ये हट गया और अब सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया सेल E2। अब सेकंड बैलेंस लेंथ ले लो, मान लो यहां पे आती है J डैश पोजीशन पे, अब जॉकी की एक अलग पोजीशन आएगी, इस पोजीशन पर आ गई आपके पास बैलेंस लेंथ L2। क्लियर है ना कहानी? पहली बैलेंस लेंथ ज्यादा आती है, लैग्रांशी सेल है पहला, उसका ईएमएफ ज्यादा होता है तो उसके लिए लेंथ ज्यादा आएगी। दूसरा है डेनियल सेल, उसका ईएमएफ इससे कम होता है लैग्रांशी से, तो उसकी बैलेंस लेंथ कम आती है। तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, E2 is equal to 5L2, सेकंड बैलेंस लेंथ के। फर्स्ट बैलेंस लेंथ तो 1 और 2 को कनेक्ट करके आती है, फिर 1 और 2 से डिसकनेक्ट करके 2 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं, तो सेकंड बैलेंस लेंथ L2 थोड़ा स्लाइटली लो आ जाती है, क्योंकि लैग्रांशी सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है और डेनियल का कम होता है। अब इन दोनों का कंपेयर कर दो, E1 upon E2, 5L1 upon 5L2, 5 से 5 कट हो जाएगा, E1 upon E2 is equals to L1 upon L2, हो गया काम खत्म। तो इस तरीके से आप इसका कंपैरिजन करते हो, कितना इजी है। ये सर्किट प्राइमरी था, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, सर्किट को ये सेकेंडरी सर्किट होता है, नीचे वाला ये अलग अलग होता है, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन कौन सी पढ़ रहे हो, लेकिन प्राइमरी सर्किट तो हर एप्लीकेशन में सेम होता है, सेकेंडरी उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, तो जो करना है उस हिसाब से इस सर्किट को बनाया जाता है। अभी हमने क्या किया था, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स ईएमएफ, तो ईएमएफ लगा दिए थे दो, और टू वे की से उनको इस तरीके से देखो, टू वे की कैसा काम करती है, कभी वो ईवन को इंट्रोड्यूस करा देगी सेल में, कभी वो ई टू को इंट्रोड्यूस करा देगी, तो एक बैलेंस लेंथ ई1 के लिए आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ई1 इज इक्वल टू 5L1, दूसरी बैलेंस लेंथ ई2 के लिए आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ई2 इज इक्वल टू 5L2। फिर इन दोनों को डिवाइड करके हम ये निकाल सकते हैं। पहला काम बिल्कुल समझ में आ गया, पहला एप्लीकेशन अच्छी तरीके से इसको रिपीट करके एक दो बार देख लेना, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। सेकंड देखो, सेकंड में हम टू फाइंड अननोन ईएमएफ, अब हमें एक सेल दिया जाएगा, अब हमें क्या दिया जाएगा, एक सेल, मैं वापस से वही सर्किट बना देता हूं पहले, ये तो सब मैंने थोड़ी भसड़ कर दी, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा वही सर्किट वापस बना देता हूं। ये देखो, क्योंकि उसी सर्किट से ये भी काम हमारा हो जाएगा, ये था वो सर्किट, पहला वाला सर्किट था ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब हमें क्या करना है उसको ध्यान से समझो, अब हमें अननोन ईएमएफ किसी सेल, हमें एक सेल दिया गया है, ये दिया गया है हमें एक सेल, देखो ये इसका ईएमएफ है ई, और हमसे कहा है बच्चों इसका ईएमएफ फाइंड करो विद द यूज ऑफ पोटेंशियल मीटर। तो आप क्यों क्या करना है, ये जो ईवन सेल है इसकी जगह पर ये सेल लगा देना है, अननोन वाला ये लो लगा दिया, जो पहला सेल था उसकी जगह तो मैंने क्या लगा दिया, अननोन सेल। अब दूसरे का क्या करना है ये समझ लेना ध्यान से, ये फॉर्मूला याद रखना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है दोनों का कंपेरिजन का, E1 upon E2 is equals to L1 upon L2। अब हम सेकंड सेल का क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो, जो ये सेकंड सेल हमने लगाया है, अब यहां पर ये भी पहले तो अननोन था, दोनों अननोन थे, लेकिन अब हम यहां पर एक स्टैंडर्ड सेल लगाएंगे, कौन सा सेल लगाएंगे ध्यान से सुनना ये उस बात को, अब हम यहां पर स्टैंडर्ड सेल लगाएंगे। स्टैंडर्ड सेल में दो क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड सेल में दो क्वालिटी होती है, एक तो ये होता है कि इसका ईएमएफ पहले से हमें पता होता है, नॉन ईएमएफ, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक तो होता है कैडमियम सेल, इसका ईएमएफ आंख बंद करके ये लिख सकते हो आप 1.0186 वोल्ट, किसका होता है, कैडमियम सेल का, इसका ईएमएफ आपको पता है ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है। और एक होता है डेनियल सेल, डेनियल सेल का ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड सेल हैं, कौन से सेल, स्टैंडर्ड सेल, इनका ईएमएफ हमें ऑलरेडी नोन होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना ईएमएफ चेंज नहीं करते,
डज नॉट चेंज ईएमएफ इजीली, आसानी से इनका ईएमएफ चेंज नहीं होता, जो है वो का वही पूरा एक्सपेरिमेंट कर लो और इसका ईएमएफ चेंज नोन वाले का कभी नहीं होगा। तो ये दो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेल में होती हैं। स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ को मैं ईएस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ईएस, द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो ई टू की जगह अब हमें ईएस लगाना है। समझ गए कहानी, हमने क्या ट्विस्ट, इस कहानी में क्या ट्विस्ट आया? पहले ई वन ई टू दोनों अननोन थे, पर अब जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन चेंज हुआ, पहले हमें कंपैरिजन करना था, अब हमें अननोन ईएमएफ फाइंड करना है। तो हम एक तो अननोन सेल लगा देंगे पहले वाले सेल की जगह, दूसरे सेल की जगह हम एक ऐसा सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ हमें पहले से पता है। ऐसे सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। कैडमियम सेल, डेनियल सेल इसके एग्जाम्पल है। तो अब ऐसा करने से क्या होगा? देखो, ऐसा करने से ये फॉर्मूला था E1 upon E2 is equals to L1 upon L2। E1 की जगह तो E आ जाएगा अननोन, E2 की जगह नोन आ जाएगा ES, और ये एज इट इज रहेंगे। ये तो हम फाइंड कर ही लेंगे L1 L2। पहले इसके लिए L1, फिर यहां से हटाएंगे यहां लगाएंगे इसके लिए L2। तो L1 L2 तो हमें पोटेंशियोमीटर से फाइंड हो जाएगा, ES हमें पहले से पता है क्योंकि ये नोन EMF है। तो यहां से जब हम E की वैल्यू निकालेंगे तो L1 upon L2 into ES, इस फॉर्मूले से अब हम अननोन EMF निकाल सकते हैं क्योंकि एक सेल का EMF हमें अब पता चल चुका है। तो ये लो, थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर उधर ट्विस्ट किया, समझ गए क्या किया? एक अननोन लगा दिया, एक नोन लगा दिया। अगर दोनों अननोन लगोते तो E1 upon E2 निकलता, अब एक नोन और एक अननोन तो E निकल जाएगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल। पोटेंशियोमीटर तो बहुत बच्चों का खेल है, कटाक्कट समझ में आता है। इसके बारे में बारीकी सी जो चीजें हैं वो समझेंगे हम, वो है बस। ये तो जो प्रैक्टिकल है इसका वो तो बहुत इजी है, और प्राइमरी सर्किट अपन को किसी भी केस में चेंज करना ही नहीं है। थर्ड आता है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ अ प्राइमरी सेल, एक प्राइमरी सेल का, प्राइमरी सेल का अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने तीन टॉपिक पढ़े थे ना, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या था? ये था पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, थोड़ा सा बता देता हूं यहां आपको। और टर्मिनल वोल्टेज क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट। ये सेल के लिए होती है दोनों क्वांटिटीज, ये सेल का ईएमएफ है, ये सेल का टर्मिनल वोल्टेज है। जब सेल ओपन सर्किट में होता है, कौन से सर्किट में? ओपन मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड्स का, उसे ईएमएफ कहते हैं। और जब हम सेल को किसी सर्किट में लगा देते हैं और सेल करंट फ्लो करने लगता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के अंदर होता है, और वो जब ही इफेक्ट करेगा जब करंट फ्लो होगी। अब सेल है, अब सेल ऐसे पड़ा हुआ है केवल, मान लो ये सेल, ये प्लस है ये माइनस है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये ओपन में है, तो क्या अभी इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करेगा? नहीं करेगा। वर्क कब करेगा? जब आप क्या करोगे, अब इसको बाहर आउटर सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, जब इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी तब जाके इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट में काम नहीं आता, इसीलिए ईएमएफ ज्यादा होता है। जैसे ही सर्किट को क्लोज कर देते हैं करंट फ्लो होती है और ये इंट्रोड्यूस हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर, और थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जिसे अब हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात है, दोबारा रिपीट की है, वैसे आप चाहो तो आप और अच्छी तरह डीपली आपको बता रखी है मैंने पिछले वीडियोस में, जाके देख सकते हो। अब हमें यही इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर था ये हमें फाइंड करना है किसी प्राइमरी सेल का। तो उसके लिए प्राइमरी सर्किट तो सेम है, सेकेंडरी सर्किट में हम एक वो सेल लगाएंगे
जिसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके पॉजिटिव को ए से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर और जॉकी से। ठीक है, एक काम तो ये कर दो, वो वाला सेल ले लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और उसको एक उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ए एंड से और नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को जॉकी से। अब आप एक छोटा सा सर्किट यहां पे और बनाओ जिसके अंदर आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स डाल दो और एक की डाल दो जिसे आप ये जिससे ये जो सर्किट बनाए इसे आप कंट्रोल कर सको और ये काम आप और कर दो। ठीक है, इतना काम करना है, समझ गए। प्राइमरी सर्किट तो है ही वैसा, बैटरी की रियोस्टेट कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर, ये सब सीरीज में लगे हुए हैं। सेकेंडरी सर्किट में पहले वो सेल लो जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है, ए से। नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है, देखो गैल्वेनोमीटर और जॉकी से। फिर एक छोटा सा सर्किट और बनाया इसके सीरीज में, इसके सेल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसा होता है। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे आप यूट्यूब में या जाके कहीं भी इन एपरेटस को देख लेना एक बार, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है देखो ढंग से। वैसे तो लैब में देखा जाता है, अब लैब तो अभी ओपन नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर डाल देना रेजिस्टेंस बॉक्स, वो आपको पूरी कहानी सुना देगा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे डॉट लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स, ऐसे बहुत सारे डॉट्स होते हैं। अब क्या होता है, इन डॉट्स पे रेजिस्टेंस लिखा होता है 1 ओम से लेके और 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम तक। अब मान लो मैं ये 1 ओम वाला डॉट यहां से उठा लूं, यहां से यहां छोटा सा एक होल होता है उसके अंदर ये फंसा रहता है, तो ये 1 ओम वाला मैंने हटा लिया, तो जो वाली डॉट में हटाऊंगा वही इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। अगर मैं 1 के साथ साथ 2 ओम वाली भी हटा लूं, यहां से 2 की हटा लूं इकट्ठी, 2 की, तो 1 भी हट गई और 2 भी हट गई, तो टोटल हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम अपनी इच्छा से कितना भी रेजिस्टेंस इसमें से 100 ओम तक, 1000 ओम तक, 10000 ओम तक निकाल सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी डिवाइस होती है, ये किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस उसमें से हम उस सर्किट में ला सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा यहाँ पे लगा दिया जाता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, इसको वायर से कस दिया जाता है और ये कनेक्ट, एक टर्मिनल ये आ रहा है जैसे ये इधर से गया, ये दूसरा इधर जाके की से लग गया, ये देखो ये लग गया रेजिस्टेंस बॉक्स, ऐसे लग जाता है, देख लिया। अब इसको हम ऐसा तो भी बनाएंगे, हमें हमने करा क्या, एक पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक की से इससे जोड़ दिया, पर अब हमें इसको सर्किट में तो ऐसा ही शो करना पड़ेगा ना, अच्छा सा सिंबोलिक आरबी, और इसमें से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे अभी मैंने 3 ओम का निकाला था, तो वो रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, उसको हम आर ओम का रेजिस्टेंस मान लेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ एक बात, बस आपको सुनना ध्यान से। तो ये सारी कहानी हो जाने के बाद, ये सर्किट बन जाने के बाद, अब आएगी इसकी वर्किंग कि कैसे हम फाइंड करें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आपने सबसे पहले वही पुश की के, ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों करते हैं इसको पुश, क्यों दबाते हैं इसको, ताकि करंट फ्लो हो। क्यों करते हैं करंट फ्लो, ताकि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, चलो बढ़िया, की को दबाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस की के डैश को, देखो ये ध्यान रखना, इस पहली कंडीशन में, ये पहली कंडीशन पुश की के को तो पुश किया है, बट ओपन की के डैश ओपन होनी चाहिए खुली। जब इसको मैं खुला छोड़ूंगा तो इस सर्किट का क्या कुछ यूज आएगा, कुछ भी यूज नहीं आएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मानता हूं ये है ही नहीं यहां पे, क्योंकि मैंने की के डैश को खुला छोड़ा है। तो जब इसको खुला छोड़ दिया तो ये सर्किट ब्रेक हो गया ना, और ब्रेक हो गया तो इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब सर्किट अभी इतना है, जब तक मैं की के डैश को ओपन रखता हूं तो इतना ही है सर्किट बस। मैंने गैल्वेनोमीटर और जॉकी के हेल्प से फर्स्ट बैलेंस लेंथ ले ली, L1 ले ली, तो ये किसके लिए आई, इस सेल के ईएमएफ के लिए, E = 5L1। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, के को क्या करना है, दबा देना है ताकि करंट फ्लो होने लग जाए, के डैश को खुला छोड़ना है, खुला छोड़ने का मतलब ये सर्किट अभी किसी काम का नहीं है, हटाओ इसको थोड़ी देर के लिए, ये मान के चलो अभी है ही नहीं है,
अब आप ले लो फर्स्ट बैलेंस लाइन, जॉकी को टच करा करा के इधर उधर इधर उधर, जहां पे जीरो आ जाए वही आपकी बैलेंस लेंथ हो गई मीटर स्केल से, उसको मीजर कर लो, इक्वेशन बना लो ई अननोन ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू फाई एल वाई। अब क्या करो, अब इस वाले सर्किट का काम आएगा, अब ये वाला सर्किट यूज में आएगा। इसमें से हमने एक रेजिस्टेंस निकाला, निकाल दिया 3 ओम 4 ओम 5 ओम कितना भी निकालो, और के डैश को सेकेंड कंडीशन की तो पुश पुश की के, ये तो के तो पुश है ही ऑलरेडी, अब हम पुश की ऑल्सो पुश की के डैश इसको भी पुश कर दो एंड रिमूव आर ओम रेजिस्टेंस, आर ओम का रेजिस्टेंस रिमूव कर दो फ्रॉम आर बी, ये तीन काम कर दो, इसको पुश कर दो, इसको पुश कर दो, इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल दो, क्लियर है। जैसे ही इसको पुश किया ये सेल करंट फ्लो करने लगेगा इस सर्किट में, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, पहले ये ओपन था अब ये क्लोज हो गया और सेल में से करंट फ्लो होने लगी। देखो ध्यान से, अब आप कंसेप्ट के अंदर जा रहे हो, पहले ये सर्किट ओपन था, सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब ये छोटा सा जो सर्किट है ना, यहां तो जीरो आएगा पर सेल के अंदर ये छोटा सा सर्किट करंट को फ्लो कर देगा। इधर देखो इतने इतने में करंट फ्लो होगी, बस मैं आपको अगर बताऊं, मैं देखो ये डार्क कर देता हूं थोड़ा, इतने इतने सर्किट में करंट फ्लो होगी, इतने इतने में और इतने में, ये मैं ऐसे डैश 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 करके बताता हूं, इतने में करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो इस पूरे में तो हो रही है पर इसमें इसमें और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है। तो सेल में से तो करंट जा ही रही है अंदर से, तो यानी कि अब इसका ईएमएफ वर्क नहीं करेगा क्योंकि अब इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जैसे करंट निकली तो इसके ईएमएफ को डाउन कर देती है वो करंट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इसको अंदर ही अंदर खा जाता है एनर्जी को। तो अब इस कंडीशन में हमारी जो सेकंड बैलेंस लेंथ आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी, जे डैश पे आएगी, इसको हम मान लेंगे एल टू। तो अब ई नहीं होगा, ये ई तो जब था, जब कैसा था सर्किट ओपन, अब क्लोज हो गया तो क्लोज में फिर टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा फाई एल टू। अब ई इज इक्वल टू फाई एल टू मत लिख देना, वो कब लिखोगे, जब ओपन थी ये की, जब दबा दी तो फिर ई के लिए नहीं आ रही है बैलेंस लेंथ, अब वी के लिए आ रही है बैलेंस लेंथ, क्योंकि करंट अंदर जाने लगी और करंट जाते ही अब ईएमएफ नहीं होता, अब क्या होता है सेल का टर्मिनल वोल्टेज। तो अब ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंस लेंथ आ गई है L2। तो क्लियर है, एक बार जब सेल में से करंट नहीं फ्लो होगी तो ये इक्वेशन बनेगी, एक बार जब सेल में से करंट फ्लो होगी तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, बस इतनी सी इसकी बात है। ये दोनों बनाने के बाद तो कुछ भी नहीं बच रहा इसमें, अब तो आपको सीधे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू E माइनस B अपॉन V इंटू R, आप जाके पीछे देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको निकलवा रखा है। ये वैल्यू E और V की आ चुकी है, ये यहां पर डाल देते हैं, E की क्या वैल्यू है फाइ एल वन माइनस B की क्या वैल्यू है फाइ एल टू डिवाइडेड बाई V की क्या है फाइ एल टू इंटू R, क्लियर है, वैल्यू डाल दी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस में, ईएमएफ भी आ गया और टर्मिनल वोल्टेज भी आ गया। ईएमएफ कब आया, जब की को खुला छोड़ा था, टर्मिनल वोल्टेज कब आया, जब की को दबा दिया था, और ये आर क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस है जो आपने आरबी में से निकाल रखा है, ये आर भी आ गया। अब ये फाइव को कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा एल वन माइनस एल टू अपॉन फाइव एल टू इंटू आर, ये फाइव से फाइव कट हो जाएगा और अब हमारे पास आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, एक फॉर्मूला तो ये आ ही गया, ये न्यूमेरिकल में भी काम आ जाते हैं डायरेक्ट, आपको बता देगा कि जब सर्किट ओपन था तो बैलेंस लेंथ इतनी थी, जब सर्किट को क्लोज किया गया और रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया गया तो फिर इतनी बैलेंस लेंथ आई, तो बताओ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो ये तीन क्वांटिटी आपको दे दी जाती है, क्या क्या, L1 बैलेंस लेंथ है ओपन सर्किट में,
L2 बैलेंस लेंथ है क्लोज सर्किट में और R है रेजिस्टेंस इन RB, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, L2 का दोनों में डिवाइड करो तो L1/L2 माइनस, अब L2/L2 क्या हो जाएगा 1 × R। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाए। तो बच्चों ये पूरी कहानी आपको जो समझाई मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने की थी, ये तीन एप्लीकेशन ही आपके कोर्स में हैं। कुछ दो तीन टॉपिक और भी हैं पोटेंशियोमीटर के, तो वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें से अच्छी तरह पढ़ लेना क्या क्या है, सुन लो। एक तो होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक होता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और एक होता है प्रिकॉशंस। जब हम पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दो की तो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब वो आपको मिल जाएगी। एक है आपका सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और प्रिकॉशंस जो आप प्रैक्टिकल में भी लिखनी पड़ती है आपको, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको प्रिकॉशंस लिखनी होगी पोटेंशियोमीटर की, तो वो प्रिकॉशंस के बारे में आपको लिखे हुए मिल जाएगा और क्यों रखनी पड़ती है वो प्रिकॉशंस, उसका कॉज भी होता है वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। जैसे जॉकी है, अब जॉकी को इस पर घिसा नहीं करते, डू नॉट रब जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, वाय? अब ये पूछेगा क्यों नहीं रब करते, रब मतलब घिसते नहीं है, उठा उठा कर रखते हैं जॉकी को, ऐसे 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 घिसेंगे नहीं इसको क्योंकि जॉकी को जब आप घिस दोगे तो वायर क्या थिन हो जाएगा, कहीं किसी जगह मोटा रहेगा किसी जगह पतला, घिसते ही किसी जगह मोटा किसी जगह पतला, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन जब आप घिसोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होते ही रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होते ही आपके एरर आने लगेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल के समय कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने रगड़ दिया तो रगड़ते ही तुरंत इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो एक रीडिंग तो आपने किसी और रेजिस्टेंस के लिए ली, दूसरी आपने किसी और के लिए ली, तो आपके इसमें गलती हो जाएगी और वो सही रीडिंग नहीं आएगी। तो ऐसे कई चीजें हैं जो प्रिकॉशन हमें यहाँ पे यूज में लेनी होती हैं, इनका आपको एक डेढ़ पेज मिल जाएगा, उसको लिख के लर्न कर लेना, उसमें इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। कुछ नहीं आया समझ में तो कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, देख लो इसको।